गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 8 रॉक्स एंड सॉइल. आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक्स अबाउट द रॉक्स सॉइल कंपोजिशन ऑफ सॉइल टॉप सॉइल सब सॉइल एंड बेड रॉक. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉइल. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर दे कैन होल्ड. यानी कि यहाँ पर 3 तरह की सॉइल होती हैं, जैसे कि ये होती है एयर और वाटर के अकॉर्डिंग. यानी कि जिस सॉइल के अंदर जितनी एयर होती है वाटर होती है वाटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो सॉइल होती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल इट इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट. ये सॉइल कहां पर मिलती है हमें? डेजर्ट में मिलती है. डेजर्ट में रेगिस्तान में. एंड बीचेस, बीचेस में समुद्र के किनारे पर मिलती है. एंड इट इज मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड. इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा सैंड होते हैं. ये बहुत ज्यादा सैंड के पार्टिकल से बनी होती है. सैंड मीन्स बालू रेता. इट कैन होल्ड इनफ एयर बट नॉट वॉटर. इसके अंदर क्या होता है? एयर बहुत ज्यादा होती है पर लेकिन पानी नहीं होता है इसके अंदर बिल्कुल भी. देयर फॉर इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. इसलिए क्या होता है? ये क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छी नहीं होती है. प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड ओपंचर ग्रो वेल इन दिस सॉइल. इस सॉइल के अंदर कौन कौन से जो है प्लांट्स उगते हैं? इस सॉइल के अंदर उगते हैं कैक्टस और ओपंचा. ये प्लांट्स मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में. ओके, इस सैंडी सॉइल के अंदर कैक्टस और ओपंचा प्लांट्स ही ग्रो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्ले सॉइल. क्ले सॉइल ओके, इट इज अ स्टिकी एंड स्मूथ टाइप ऑफ सॉइल. ये क्या होता है? स्टिकी होता है. स्टिकी मतलब स्टिक होने वाली, चिपकने वाली सॉइल होती है. इट इज अ स्टिकी एंड स्मूथ टाइप ऑफ सॉइल. और स्मूथ मतलब बहुत ज्यादा चिकनी सॉइल होती है, स्टिकी पेस्ट होने वाली होती है. इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है. इट कैन होल्ड इनफ वाटर. इसके अंदर हम बहुत ज्यादा पानी डाल सकते हैं. यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करने की होती है. बट नॉट एयर. और इसके लेकिन इसके अंदर क्या होता है? एयर अब्सॉर्ब नहीं हो पाती है, ज्यादा एयर नहीं होती है. देयर फॉर इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इसलिए ये वाली सॉइल भी क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छी नहीं होती है. इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग पॉट्स. इस पॉट से हम क्या कर सकते हैं? इस पॉट से हम इस उससे सॉइल से हम वो पॉट्स बना सकते हैं. जैसे पॉट्स हो गए, गमले हैं और पिचर सुराही, इस टाइप की चीजें बना सकते हैं. ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंटे बना सकते हैं. टॉयज होते हैं जो मिट्टी से बने हुए टॉयज होते हैं, और स्टैचूज वगैरह होते हैं, इस सॉइल से वो बनाए जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सॉइल इज ए लोमी सॉइल. लोमी सॉइल ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सैंड एंड क्ले. लोमी सॉइल जो होती है इसके अंदर क्या होता है? लोमी सॉइल के अंदर होता है सैंड और क्ले, दोनों ही चीजें होती हैं लोमी सॉइल के अंदर. इट कैन होल्ड इनफ एयर. इसके अंदर जो एयर होती है इनफ बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होती है. एंड वाटर, और पानी भी होता है इसके अंदर. बहुत ज्यादा एयर और वाटर, पानी दोनों ही चीजें होती हैं. देयर फॉर इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप. इसलिए ये वाली जो सॉइल होती है क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है. इट ऑल्सो हैज ह्यूमस विच मेक्स इट फर्टाइल. और इस सॉइल के अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है जो कि इस सॉइल को फर्टाइल बनाता है. ओके, नाउ यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल से क्या होता है, क्या क्या यूजेस होते हैं? यूजेस ऑफ सॉइल. ओके, ऑल प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. ये तो सभी को पता है, सारे प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सब सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं. ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी सॉइल पे ही डिपेंड करते हैं. सो सॉइल सपोर्ट्स ऑल लाइफ. यानी कि
सॉइल जो होता है सभी को ही लाइफ देता है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। इट इज द होम ऑफ मेनी एनिमल्स, ये क्या है, बहुत सारे एनिमल्स का और इंसेक्ट्स का घर होती है। जैसे कि कौन कौन से इंसेक्ट्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, सेंटीपेड्स, स्नेल, रैट्स, अर्थवॉर्म एक्सेट्रा, ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सॉइल के अंदर ही मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉइल एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सैंड, पेबल्स, क्ले एक्सेट्रा। यानी कि सॉइल एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि सॉइल से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, सैंड बनते हैं इससे, सॉइल से पेबल्स बनते हैं, ब्रिक्स बनती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेनी प्रीशियस मिनरल्स एंड स्टोन्स आर फाउंड इन द सॉइल। यानी कि कुछ प्रीशियस मिनरल्स होते हैं और स्टोन्स होते हैं जैसे डायमंड, रूबीज, ये सब कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर ही मिलते हैं हमें देखने के लिए। ओके, आर फाउंड इन द सॉइल, जैसे कि डायमंड, रूबी, ग्रेनाइट, मार्बल, कोल एक्सेट्रा। यानी कि ये सारी चीजें जितने भी होती हैं ये हमें कहाँ से मिलती है, सॉइल से मिलती है। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।